राजन मंडलोई, बोल तो दो भाई। लीजिए लीजिए, हम आपके सामने एक ऐसे चमत्कारी बच्चे को आपके सामने लाते हैं। ये पगरावत कला का क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर एक बच्चा ऐसा है जो कौए की आवाज़ निकाल कर कौओं को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेता है। तो अगर आप चाहो अगर तो हम आपको एक एग्जाम्पल इनका दे सकते हैं। बोले आप कौ एक बार और उनको जब आप कौओं को बुलाते हैं तो वो किस प्रकार से आते हैं, उनके लिए क्या करते हो, और फिर बाद में और कुछ बोलते हो कि कौवा आ, ऐसा कुछ बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो? तो एक बार और हमारे दर्शकगण जानना चाहते हैं कि आप में ये अनोखी क्वालिटी कहाँ से आई? जोर से बोल। क्या ये क्वालिटी आप में बचपन से है? नहीं। फिर नहीं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? तो क्या आपके स्कूल में आपको ये सिखाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्कूल में इस प्रकार के टीचर हैं कि जो आपको कौवे हैं, कौवे हैं, कुत्ते हैं? इस क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इनकी आवाज बहुत ही अच्छी है। और बस आप सर, आप इधर आइए। हाँ सर, आप इधर आइए। आप जो है अनोखा बच्चा पगरावत कला के अंदर, आपके गांव के अंदर एक अनोखा बच्चा है, तो इसकी जो इसमें जो क्षमता है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, तो आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए रात को 8 बजे NDTV इमेजिन पर अनोखा बच्चा करके एक कार्यक्रम आएगा। आधे घंटे का कार्यक्रम है, उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, ठीक। अरे और एक और बोल। मैं राजन मंडलोई, कैमरा पर्सन, राम कुमार के साथ NDTV इमेजिन आज तक छुट्टी।